नमस्कार, मैं उस्मैन अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान। बहराइच के थाना दरगाह शरीफ में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान का शुभ आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बहराइच के पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा एवं सदर विधायक अनुपमा जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। सदर विधायक अनूप जायसवाल ने बताया कि नारी का सम्मान बहुत ऊंचा है। भाई भारत का नाम के आगे विमता लगता है, अन्य देशों के नाम के आगे माता नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि नारी वो है जो सब चीज़ों में आत्मनिर्भर है। नारी नहीं तो हम नहीं, एक माँ का क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अपने बेटे को छोटे से बड़ा करने किसी तरह की उस पर आज ना आने देने। उन्होंने ये भी बताया कि दोस्त किसे कहते हैं, दोस्त वो है होता है जो पूरी प्रस्तुति में काम आए, राज रखे। ऐसे एक नारी की मिसाल देते हुए एक ही पत्नी से उसकी पति का झगड़ा होता है। रात में आग पर उसके पति ने मारा, आँख लाल हो गई। सुबह उठी, किसी ने पूछा बहन क्या हुआ, तो वो बताई कुछ नहीं, रात में अंधेरा था, दरवाजे में लड़ गए। ये नारी है और हमारे देश में नारी का बहुत सम्मान दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी का आगे कर रखना चाह रहे हैं और नारी का बढ़ावा दे रहे हैं। आज पूरे भारत में महिला के नाम राशन कार्ड बनता है। खास रिपोर्ट अजमल शाह, बहराइच। आज तक हम लोग न केवल अपनी गृहस्थी अच्छी तरीके से खींच रहे हैं बल्कि अपने सर्विस में भी बहुत अच्छे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं सारे लोग। और उसका कारण ये था उनका संस्कार। एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, वह अनुशासन की इतनी पक्की थी, सोने से लेकर उठने तक और हर कार्य को करने का तरीका उनका इतना अद्वितीय था कि बहुत छोटे से फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत करीने से जीवन कैसे जिया जा सकता है, उससे ज्यादा सुहर कोई और महिला शायद पूरी दुनिया में मुझे अभी तक तो नहीं मिली। उन्होंने बच्चों को इतना अच्छी तरह ग्रूम किया, उसमें एक उदाहरण मैं दूंगा उनके डिसिप्लिन का। उन्होंने सूर्यास्त के बाद किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया। चिंगारी ही नहीं, तब मार के शोले में ही बदलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हम फूल और चिंगारी, अगर फूल ही नहीं रहेगा तो इस धरा पे कौन रहेगा? रहने लायक ये धरती नहीं हो जाएगी जो सबसे सुंदर प्लेनेट है? अगर जीवन कहीं है तो इस धरती पर है, और जीवन को रोपने वाली, जीवन के कोमल पंखड़ियों को खिलाने वाला